सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे इसमें आप। नोट करके लिखेंगे कि इन सीरीज करंट रिमेन्स, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम व्हाइल वोल्टेज वेरीज। ये पहला पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। इसी पॉइंट से आप ये देखिएगा कि आगे सीरीज पैरेलल वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पॉइंट पर बेस्ड हैं। तो पहला पॉइंट है इन सीरीज करंट रिमेन सेम व्हाइल वोल्टेज वेरीज। दूसरा लिखेंगे इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम व्हाइल करंट वेरीज। व्हाइल करंट वेरीज तो देखिएगा, ये फंडा दिमाग में रखेंगे कि अगर कभी भी मेरे पास सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारा करंट है वो सेम रहता है। सीरीज कनेक्शन में जो करंट है वो सेम रहता है और जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज जो है वो वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंसेज में अलग अलग होती है वोल्टेज सीरीज के केस में। ठीक है, और करंट जो है वो सेम रहता है। फिर अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज रिमेन सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन जो करंट है वो करंट वेरी करता है। करंट जो है वो अलग अलग रेसिस्टेंस में अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैं दोनों चीजों का डेरिवेशन करूंगा। सबसे पहले रेसिस्टेंसेज इन सीरीज, फिर करेंगे रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो हेडिंग डालेंगे रेसिस्टेंसेज इन सीरीज। रेसिस्टेंसेज इन रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। जब हम रेसिस्टेंसेस की बात करते हैं कि सीरीज की बात करेंगे तो रेसिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में कैसे होंगे ये देखते हैं। तो आप ये देखो कि मेरे पास एक रेसिस्टेंस ये है, इसको मैंने बोल दिया आर वन। एक रेसिस्टेंस ये है, इसको हमने बोल दिया आर टू। और जो तीसरा रेसिस्टेंस है ये हो गया आर थ्री। आर वन, आर टू और आर थ्री। फिर देखिएगा कि मैंने ये तीनों रेसिस्टेंसेस बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के पीछे एक। तो इसको हम बोल देते हैं सीरीज कनेक्शन। इसको मैंने एक बैटरी से, एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है, उससे मैंने कनेक्ट कर दिया। बैटरी का कितना वोल्टेज है, मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी, ये दे रखा है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब आप ये देखिएगा कि जब भी मैं बात करता हूँ सीरीज कनेक्शन की तो सीरीज में करंट सेम रहता है और जो वोल्टेज है वो वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज करती है, अलग अलग डिवाइड हो जाती है। कैसे वो देखेंगे। मैंने बोला कि जो हमारा यहां से जो करंट निकला वो करंट निकला आई, मतलब इस वोल्टेज सोर्स में से। वोल्टेज सोर्स क्या होती है, बैटरी, कोई भी बैटरी। इस बैटरी में से जो करंट निकला वो आई निकला। तो ये बिकॉज सीरीज में करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज वेरीज, करंट सेम होता है वोल्टेज वेरी करती है। तो करंट सेम रहेगा, तो सेम रहने का मतलब क्या कि इस रेसिस्टेंस में भी करंट आई जाएगा, इस रेसिस्टेंस में भी करंट आई और इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आई। तो तीनों रेसिस्टेंसेज में करंट हमारा सेम रहेगा, आई 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 सेम रहेगा। ठीक है, तो करंट रिमेन सेम। अब बात करते हैं कि वोल्टेज वेरी करती है।
तो वोल्टेज वेरी करती है, किस तरह से वेरी करेगी? देखिए कि यहां से वोल्टेज वी निकली तो इस वाले में वोल्टेज चली जाएगी वी वन, इस वाले में वोल्टेज चली जाएगी वी टू, और इस वाले में वोल्टेज चली जाएगी वी थ्री। समझ गए मेरी बात? सभी को क्लियर है? बताइए बताइए, यस इतना सर। सभी को क्लियर है? चलिए जी, तो अब क्या करेंगे? अब देखिएगा कि मैं ये कहूंगा कि वोल्टेज इसमें वी थी, अब वोल्टेज डिवाइड हो गई, वी वन इसमें चली गई, वी टू इसमें चली गई और वी थ्री इसमें चली गई। तो हम ये कहेंगे कि सिंस करंट रिमेन्स सेम इन अ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में जब करंट सेम रहता है, जब सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट सेम रहता है, तो मैं ये कहूंगा कि करंट थ्रू आर वन कॉमा आर टू एंड आर थ्री इज आई एंड वोल्टेज डिवाइड्स का मतलब बट जाती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, एंड वोल्टेज डिवाइड्स सो वोल्टेज थ्रू आर वन इज वी वन कॉमा आर टू इज वी टू एंड आर थ्री इज वी थ्री, कि आर वन में वोल्टेज वी वन होगी, आर टू में वोल्टेज वी टू होगी और आर थ्री में वोल्टेज वी थ्री हो जाएगी। तो कुल मिलाकर वोल्टेज हमारी डिवाइड हो रही है क्योंकि ये एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फिर मैं इस तरफ कर रहा हूँ, अब मैं ये कहूंगा कि वोल्टेज जो डिवाइड हुई है, तो वो डिवाइड कौन सी हुई है? ये वी वोल्टेज थी, टोटल सर्किट की वोल्टेज, ये वी ही तो डिवाइड हुई, तो वी डिवाइड हो गई किस किस में? वी वन वी टू वी थ्री में, यानी कि अगर मैं वी वन वी टू वी थ्री दो तीनों का टोटल करूंगा तो वो वी के बराबर आ जाएगा। भाई वी ही तो बटकर वी वन वी टू वी थ्री में डिवाइड हुआ है। मैं ये कहूंगा मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, मैंने 4 रुपए दूसरे बच्चे को दे दिए और 4 रुपए तीसरे बच्चे को दे दिए, तो 2 प्लस 4 प्लस 4 टोटल 10 के बराबर हो गया जो मेरे पास था। तो टोटल मेरे पास वोल्टेज वी थी, मैंने वी वन दे दी आर वन रेसिस्टेंस को, वी टू वोल्टेज दे दी आर टू को, वी थ्री वोल्टेज दे दी आर थ्री को, तो टोटल तो वी के ही बराबर होगी। तो हम ये कहेंगे ये टोटल वोल्टेज, यहाँ लिखूंगा टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक है, फिर यहां नोट करेंगे कि बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ये जो वी है, इस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू सॉरी ये जो V है, इस V की वैल्यू हो जाएगी I, और इस पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस मैंने R मान लिया, तो I इंटू R बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यही होता है, V V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ वी वन कितना होगा। तो वी वन क्या है? वी वन इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितनी है? वो वी वन है, तो वी क्या होता है? करंट इंटू रेसिस्टेंस आई इंटू आर वन, तो वी वन की जगह हो जाएगा आई इंटू आर वन, क्योंकि इसमें करंट आई है और रेसिस्टेंस आर वन है ना? तो वी वन की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आर वन।
प्लस इसी तरह से वी टू वो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो वोल्टेज कितना होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर टू प्लस वी थ्री कितना हो जाएगा, आई इंटू आर थ्री। ये क्या हो गया, आई आर इज इक्वल टू आई आई आई, तीनों में आ रहा है, आई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो आर कितना हो गया, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वेयर आर इज द टोटल और वेयर आर इज द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। बताइए बेटा सबको क्लियर है, ये प्रूफ सभी को समझ में आ गया। सर एक बार और समझा दीजिए। अभी बता रहा हूँ, इसमें हमने ये देखा कि जब भी मैं किसी सीरीज सर्किट की बात करता हूँ तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज का पता कैसे चलता है कि अगर कोई दो तीन चार पांच या दस कितने भी रेसिस्टेंसेज दे रखे हो, अगर वो रेसिस्टेंसेज एक के पीछे एक बैक टू बैक अगर कनेक्टेड होते हैं, तो मैं ये बोल देता हूँ कि वो एक सीरीज कनेक्शन है। अब आप ये देखिएगा कि सीरीज में हमारा फंडा हमको याद रखना है कि करंट रिमेन सेम वाइल वोल्टेज वेरीज, वेरीज मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, तो मैंने ये कहा कि आर वन आर टू आर थ्री ये तीन रेसिस्टेंसेज हैं। रेसिस्टेंसेज क्या होते हैं, रेसिस्टेंसेज ना आप ये समझ लो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है, चाहे फिर वो फैन हो, कूलर हो, ट्यूबलाइट हो, है ना, एसी हो, कुछ भी हो, तो वो सब जो है वो कुछ ना कुछ करंट के पाथ को रोकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करंट को कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, तो उस चीज को कहा जाता है रेसिस्टेंस। तो आप समझ लीजिए कि जैसे तीन डिवाइसेस कनेक्टेड हों, किसी भी वायर के थ्रू तीन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक के पीछे एक, सेम सिंगल वायर से, तो जब एक ही वायर से ऐसे एक के पीछे एक तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं सीरीज में। सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा, तो अब क्या होगा कि बैटरी कुछ ना कुछ करंट तो डिलीवर करेगी, तो बैटरी ने करंट दिया आई। अब ये जो करंट है ये सेम रहेगा तीनों रेसिस्टेंसेज में, क्योंकि सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इसमें भी आर वन में भी करंट गया आई, आर टू में भी करंट गया आई, और आर थ्री में भी करंट गया आई, लेकिन वोल्टेज वेरी करता है, वोल्टेज डिवाइड करता है, तो टोटल वोल्टेज तो वी था, तो वी में से वी वन यहाँ चला गया, वी टू यहाँ चला गया, वी थ्री यहाँ चला गया, तो डिवाइड तो वी ही हुआ ना, वी में से ही तो बटा ना, अलग अलग तीनों का हिस्सा बट गया, है ना। तो अब मैं कहूंगा कि मेरा टोटल वोल्टेज V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो गया। जब V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री हो गया, तो अब आप ये देखेंगे कि बाई यूजिंग ओम्स लॉ V को क्या कह सकता हूँ मैं, V होता है I इंटू आर, तो V की जगह तो मैंने लिख दिया I इंटू आर। अच्छा वी वन क्या है, वी वन है इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, तो इस रेसिस्टेंस का करंट कितना है I, और रेसिस्टेंस है आर वन, तो वी वन की वैल्यू हो गई आई इंटू आर वन, तो वी वन की जगह मैंने लिख दिया आई आर वन। वी टू इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट, तो वी टू की वैल्यू क्या हो गई आई इंटू आर टू, तो वी टू की जगह मैंने लिख दिया आई आर टू। सिमिलरली वी थ्री क्या हो गया आई इंटू आर थ्री, तो वी थ्री की जगह मैंने लिख दिया आई आर थ्री। अब आई आर इधर है, इन तीनों में आई आ रहा है, तो आई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस आई से ये आई कट गया, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और ये जो आर आया है, दिस आर इज कॉल्ड द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन या सीरीज सर्किट। बताइए क्लियर है, सक्षम, प्राजक्ता, न्यासा, क्षितिज, सभी को क्लियर है? ठीक यस सर है, चलिए जी मैं आगे चलता हूँ फिर। यस सर हाँ जी ओके, फिर उसके बाद मैं अगला देखता हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंसेस इन सीरीज था, फिर नेक्स्ट देखेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल,
अब पैरेलल में अगर रेजिस्टेंसेस हैं तो सबसे पहले तो कनेक्शन बनाओ। पैरेलल का मतलब ये है कि अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग वायर से जुड़े हुए होंगे, सेम वायर से जुड़े हुए नहीं होंगे। यहाँ पर तीनों के तीनों सेम वायर से जुड़े हुए थे तो तीनों में करंट सेम था। अब अलग अलग वायर से जुड़ेंगे तो तीनों में करंट अलग अलग होगा। तो मैं ऐसे जोड़ता हूँ इसको, एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया R1, ये R2 और ये R3। R1, R2, R3, तीन तीन रेजिस्टेंसेस हो गए। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं क्योंकि तीनों का आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, पहले R1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, R2 का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, R3 का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये। जब रेसिस्टेंसेस के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं और देखने से भी लगे कि हाँ जैसे कि तीन पैरेलल लाइंस हो, तो मैं बोलूंगा कि वो पैरेलल कनेक्शन है। अब ये तीनों के तीनों, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लस माइनस पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो वोल्टेज वी है, यहाँ से करंट डिलीवर होता है आई, आई करंट ये दे देता है। अच्छा, तो अब क्या है कि तीनों में अलग अलग करंट जाएगा क्योंकि इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। पैरेलल के केस में वोल्टेज तो सेम रहती है लेकिन करंट वेरी करती है, बट करंट वेरीज। तो वेरी क्या करेगी, बेसिकली करंट डिवाइड हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें करंट जा रही है I1, I2 वाले में करंट जा रहा है I2, और R3 वाले में करंट जा रहा है I3। बट वोल्टेज रिमेन सेम, मतलब इसमें भी वोल्टेज V होगी, इसमें भी वोल्टेज V होगी और इसमें भी वोल्टेज V होगी, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज V ही होगी। बताइए बेटा ये डायग्राम समझ में आ गया, इस फंडे से रिलेट कर पा रहे हैं इसको सभी बच्चे, बताइए। ठीक है, यस सर, चलिए जी, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट, ऐसा कुछ पूछ रहे हो? सर अच्छा, ओके। अब देखिएगा कि मैं ये कहूंगा कि करंट डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कौन सी हो रही है, ये टोटल करंट तो आई ही थी, तो आई ही तो बटेगा, आई करंट ही तो बट गया। किसमें? तीन पार्ट्स में बट गया, I1, I2 और I3। तो हम ये कहेंगे टोटल करंट, बल्कि यहाँ पर भी ये फंडा लिख दीजिए जो हमने बताया था, लिखेंगे सिंस सिंस वोल्टेज रिमेन्स सेम, सिंस वोल्टेज रिमेन्स सेम इन अ पैरेलल कनेक्शन, सिंस वोल्टेज रिमेन्स सेम इन अ पैरेलल सिंस वोल्टेज रिमेन्स सेम इन अ पैरेलल कनेक्शन, कॉमा वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस R1, कॉमा R2 एंड R3 इज V, भाई तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी, V ही होगी, एंड करंट वेरीज, एंड करंट वेरीज कह दो या डिवाइड्स कह दो, एंड करंट डिवाइड्स, एंड करंट डिवाइड्स, सो करंट थ्रू
सो करंट थ्रू आर वन इज आई वन कॉमा आर टू इज आई टू एंड थ्रू आर थ्री इज आई थ्री। ठीक है, तो ये करंट हमारी अलग अलग हो गई, तो टोटल करंट कितनी होगी? टोटल करंट टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया। तो अब I क्या होता है, मैं लिखूंगा बाई यूजिंग ओम्स लॉ। मैं जानता हूं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये R नीचे आ जाएगा। अगर I की वैल्यू निकालूंगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। जब V इज इक्वल टू आई आर तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आप क्या करें, इस I की जगह लिखें V अपॉन R। फिर ये जो I1 है, इस I1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो क्या है कि इस वाले रेसिस्टेंस में करंट I1 है, वोल्टेज V है और रेसिस्टेंस R1 है। तो ये I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। इस I1 की जगह हम लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस सिमिलरली I2 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R3। फिर देखिए, जैसे ये V अपॉन R है, मैं इसको लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R। V अपॉन R1 को मैं लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R1। ऐसे ही V अपॉन R2 को मैं लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R2। V अपॉन आर थ्री को V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर थ्री, ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी V है, इधर भी V है, इधर भी V है, तो V कॉमन ले सकता हूं मैं। मैंने देखा ये हो गया V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। V से V कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ये हो गया। ठीक है, और यही हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताया था एक पैरेलल कनेक्शन का, कि 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ये होता है। बताइए बेटा, सबको क्लियर है कि नहीं, सभी को समझ में आ गया ये वाला रिलेशन भी? बताइए। ठीक है, इंदर, इशिता, क्षितिज, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, प्राजक्ता, सक्षम। यस सर। समझ गए? चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। इधर ये मिटा रहा हूँ। चलिए जी, अब जरा देखते हैं, आप यहाँ पर बस एक चीज और लिखेंगे, वेयर आर इज द टोटल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वेयर कैपिटल आर इज द टोटल, वेयर कैपिटल आर इज द टोटल और इक्विवेलेंट, टोटल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट, ऑफ द पैरेलल
पैरेलल सर्किट, टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। इसके बाद ये तो इनके डेरिवेशन हो गए, प्रूफ्स हो गए। इसके बाद देखिएगा ये इनमें ना क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत ज्यादा इस पर। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन ये नोट करें। इफ फोर रेसिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू वन ओम, इफ फोर रेसिस्टेंसेज ईच ऑफ, इफ फोर रेसिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू, इफ फोर रेसिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू वन ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, are connected in series, what will be the resultant resistance? इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये फोर रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू वन ओम, अगर चार रेसिस्टेंसेस हैं, सभी की वैल्यू वन वन ओम है और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो पहले तो मैं सर्किट डिजाइन करूंगा। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, तो हमें सर्किट जरूर बनाना होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट में हमें दिखाई दे रहा है कि चार रेसिस्टेंसेज हैं, चारों की वैल्यू वन ओम है, तो चारों को एक के पीछे एक आप कनेक्ट कर दीजिए। कैसे? इसको बोल दीजिए पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी। तो ये वाला जो है इसको बोलूंगा मैं आर वन, इसको बोलूंगा आर टू, इसको आर थ्री और इसको आर फोर। ये हो गया वन ओम, ये भी वन ओम, ये भी वन ओम और ये भी वन ओम। तो चारों रेसिस्टेंसेज हमारे वन वन ओम के हो गए। अब क्या है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, चारों को ऐड कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे फॉर अ सीरीज कनेक्शन आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। तो आर इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो R की वैल्यू क्या हो गई 4 ओम। मुझे लगता है सबको आ गया होगा समझ। बताइए बेटा क्लियर है सबको? अक्षत, ध्रुव, गरिमा, इंदर बताइए। यस सर, अभी को क्लियर है? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर टू, अ रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स, इधर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर टू, अ रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज, है और रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम्स इज कनेक्टेड विद
another resistance of 6 ohm is connected with another resistance of 4 ohms another resistance of 4 ohms full stop a potential difference of 20 volts is applied across the combination a potential difference of 20 volts is applied across the combination full stop calculate the current through the circuit calculate the current through the calculate the current through the circuit and potential difference across the 6 ohm resistance and potential difference across the 6 ohm potential difference across the 6 ohm resistance potential difference across the 6 ohm resistance ab dekhiyega kya karna hai resistance of 6 ohm is connected with another resistance of 4 ohms hame दो रेसिस्टेंस दे रखे हैं एक 6 ओम का और एक 4 ओम का और दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है मतलब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या करेंगे हम ये रेसिस्टेंस है 6 ओम का ये रेसिस्टेंस है 4 ओम का और ये कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज दे रखी है 20 वोल्ट इसकी जो वोल्टेज है वो दे रखी है 20 वोल्ट ठीक है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया 20 वोल्ट अब आप ये देखिएगा कि वो बोलते हैं कैलकुलेट करंट थ्रू द सर्किट सर्किट का मतलब क्या है कि पूरे सर्किट का टोटल करंट आपको बताना है ठीक है करंट थ्रू द सर्किट का मतलब पूरे सर्किट में करंट कितना होगा आपको वो बताना है यहाँ पर अच्छा तो देखिएगा कैसे करेंगे वो आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि ये रेसिस्टेंस अगर इसको मैं R1 बोल दूं और इसको मैं R2 बोल दूं ठीक है दिखाई दे रहा है बेटा ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा ये R1 है और ये R2 है कि अगर एक को R1 बोल दिया और एक को R2 बोल दिया तो ये जो दोनों रेसिस्टेंसेज हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या होता है टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम ये कहेंगे सिंस R1 एंड R2 are connected in series therefore R is equal to R1 plus R2 total resistance R is equal to R1 plus R2 ये बीच वाला मिटा रहा हूं ठीक है तो अब आप ये देखिएगा कि R कितना हो गया फिर R इज इक्वल टू कितना हो गया R1 कितना है 6 और R2 कितना है 4 तो 6 प्लस 4 R की वैल्यू हो गई 10 ओम्स ठीक ये करने के बाद में फिर वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट करंट थ्रू द सर्किट करंट क्या होगा बाई यूजिंग
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगा देंगे तो वी इज इक्वल टू आई आर, इट इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम, 10 ओम हो गया। तो 10 टूजा, इसका मतलब पूरे सर्किट का करंट हो गया 2 एम्पियर। फिर वो बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट थ्रू द सर्किट, तो सर्किट के थ्रू करंट तो ये हो गया 2 एम्पियर। तो लिखेंगे करंट थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट हो गया। सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन, सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन, सो सिंस इट इज अ सीरीज कनेक्शन, सो करंट रिमेन्स सेम इन आर वन एंड आर टू, वाइल वोल्टेज वेरीज। तो करंट सेम रहेगी, तो करंट जो मैंने आई निकाली वो 2 एम्पियर, तो बेटा यहां पर भी इसमें भी आई जा रहा है और इसमें भी आई जा रहा है, जबकि वोल्टेज वेरी करेगी। मतलब इसकी वोल्टेज को आप बोल दीजिए V1 और इसकी वोल्टेज को बोल दीजिए V2। तो सीधी सीधी बात है, उन्होंने क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टेंस। 6 ओम रेसिस्टेंस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि V1 पूछ रहे हैं, तो V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए बताइए, सभी को क्लियर है ना। तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये हो गया V1, इज इक्वल टू I इंटू R1। अब I कितना है, I निकाला हमने 2 और R1 कितना है 6, तो 2 × 6 ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये चीज जो है, ये चीज तो इन्होंने हमसे पूछी थी कि आपको 6 ओम वाला जो रेसिस्टेंस है इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि वोल्टेज बतानी है, वो तो मैंने बता दी। एक काम करो, लगे हाँ तो इसमें भी निकालो आप, मैं ये पूछा नहीं है, पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये अभी आप 2 मिनट में समझ जाएंगे। देखिएगा कि जब मैं V2 निकालूंगा तो V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। V2 क्या है, इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज, तो I इंटू R2, I कितना है 2, तो 2 × 4 ये कितना हो गया 8 वोल्ट। ये 12 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ गया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट के बराबर आ गया। तो ये क्या बताने के लिए कहा हमने आपको, कि क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज वेरी करता है, और किस तरह से वेरी करता है कि मैंने इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, दोनों को टोटल करूंगा तो टोटल के ही बराबर होगा। सभी को क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, तो बस ये याद रखना कि सीरीज में करंट सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड होती है, ये याद रखिएगा बस पंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखे हैं, 3 के 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting
draw the diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. Battery of 3 cells of 2 volt each. 3 cells of 2 volt each, comma, a 5 ohm resistor comma, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, comma, all connected in series. All connected in series. B part dekhiyega. Redraw the above circuit putting an ammeter redraw the above circuit putting an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference. Across the 12 ohm resistor. Full stop. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? क्वेश्चन बड़ा है, दो पार्ट्स दे रखे हैं, ए पार्ट और बी पार्ट. ठीक है, देखिएगा दोनों ही पार्ट्स में मुझे सर्किट डायग्राम बनाने हैं. तो अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, ए पार्ट में देखिएगा मुझे क्या करना है. ए पार्ट में इन्होंने बोला ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each. तो देखिएगा मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा इसका. आप ये देखिएगा कि एक बैटरी है, उस बैटरी में सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो यहां पर इन्होंने बताया कि 3 cells हैं और हर सेल कितने कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हर सेल का 2-2 वोल्ट का. 3 cells of 2 volt each. तो एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, वो जो हम एक बनाते हैं ना, ये जो एक बनाते हैं, तो जनरली हम बैटरी के लिए एक ही सेल बना देते हैं. हम बोल देते हैं कि एक ही सेल 20 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये 3 cells of 2 volt each. तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट. तो इसका मतलब टोटल इसकी वोल्टेज होगी बेटा 6 वोल्ट. 2 + 2 + 2 टोटल हो गई 6 वोल्ट. तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई. उसके बाद ये बोलते हैं कि अब 5 ओम रेसिस्टर
एक 5 ओम का रेसिस्टर, एन 8 ओम रेसिस्टर एंड अ 12 ओम रेसिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले क्या है, एक 5 ओम का रेसिस्टर, रेसिस्टेंस को रेसिस्टर भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले है 5 ओम का रेसिस्टर, फिर है 8 ओम का रेसिस्टर और फिर है 12 ओम का रेसिस्टर। फाइव ओम, 8 ओम, 12 ओम, तो 3 रेसिस्टर हैं, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड अ प्लग की, ब्रैकेट बना के, जैसे स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के अंदर एक डॉट बना देते हैं। ये प्लग की का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सर्किट है, मान लीजिए हम अपने घर की भी बात करते हैं, तो हमारे घर में भी जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में कीज लगी रहती है। कीज क्या, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्विच बोल देते हैं, टू स्विच ऑन समथिंग एंड स्विच ऑफ समथिंग, तो स्विचेस लगे रहते हैं, उनको हम प्लग की भी बोल देते हैं। तो प्लग की जो है वो किस तरीके से बनती है कि एक ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर डॉट बना दिया मैंने। तो ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों आइटम्स जो हैं, ये हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो बताइए बेटा, सर्किट समझ में आ गया सबको? यस सर। बताइए, तो ए पार्ट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट ही बनाने के लिए बोला था और कुछ नहीं। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में एक लॉजिक है, उस लॉजिक को ही आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर और अमीटर वाला। तो वोल्ट मीटर जो है, जो अमीटर है, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कभी भी कहीं भी अगर करंट मेजर करना है तो अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अमीटर करंट मेजर करता है और सीरीज में करंट रिमेन सेम। तो कितने भी रेसिस्टेंसेस लगे हुए हों, सब में करंट सेम रहेगी। तो अमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करा जाएगा? सीरीज में। वोल्ट मीटर हमेशा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, उसी लॉजिक से इसको रिलेट करना है कि पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट। तो करंट मेजर करने वाली डिवाइस अमीटर है, तो अमीटर को हमेशा सीरीज में मेजर किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, सॉरी। तो अभी इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से, तो ये चीज बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। मैं इस तरफ बना रहा हूँ। उन्होंने बोला है रीड्रॉ द अबव सर्किट, इसी सर्किट को रीड्रॉ करना है, दोबारा बनाना है। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसी सर्किट को दोबारा बनाना है और मुझे क्या करना है कि जो तीनों रेसिस्टेंसेज हैं, इन तीनों रेसिस्टेंसेज के अक्रॉस में करंट मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो मैं सीरीज में लगा दूंगा एमीटर को। देखिए कैसे, ये तो बैटरी हो गई 2+2+2, यानी कि दो दो सेल्स के, दो दो वोल्ट के तीन सेल्स थे, तो टोटल बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट हो गई। यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाकर उसके बीच में ए लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड अमीटर। ये सिंबल होता है अमीटर का। अमीटर क्या काम करता है? करंट मेजर करता है। अब आप देखिएगा, यह है 5 ओम, यह है 8 ओम और यह है 12 ओम। ठीक है, आप कहेंगे एमीटर को सीरीज में ही क्यों लगाया? क्योंकि सीरीज में कुछ कितने भी आइटम आप कनेक्ट करें, सीरीज में हर आइटम में, हर कंपोनेंट में करंट रिमेंस सेम। मैंने रेसिस्टेंस नहीं लिखवाया था नोट में, मैंने सिर्फ ये बोला था इन सीरीज करंट रिमेंस सेम व्हाइल वोल्टेज वेरीज, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम व्हाइल करंट वेरीज। तो आप सीरीज में कुछ भी लगा दीजिए, करंट सेम रहेगा। हमने क्या करा कि अगर मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट है, तो इधर 12 ओम का रेसिस्टर लगा रखा है, इधर 8 ओम का रेसिस्टर लगा रखा है, इधर 5 ओम का रेसिस्टर लगा रखा है, और उधर जो वायर है, इधर हमने अपनी उंगली लगा दी, तो हमारी उंगली को भी जो झटका लगेगा वो 5 एम्पियर का ही लगेगा, अगर 5 एम्पियर करंट है तो। ठीक है, तो अब हमने ये कहा
कि सीरीज में कुछ भी लगाओ करंट सेम रहता है, तो इसमें जो करंट, इसमें जो करंट, इसमें जो करंट, इन तीनों में जो बराबर बराबर करंट जा रहा है वही करंट इस एमीटर में चला जाएगा। तो एमीटर मेरे को बिल्कुल एक करंट करेक्ट रीडिंग दे देगा कि इन तीनों रेसिस्टेंसेज में करंट कितना जा रहा है। बताइए, समझ में आ गया? ये चीज सभी को क्लियर है? अरे सो गए क्या सभी? Yes, माया yes, ना sir. आवाज आ रही किसी की भी? बताइए क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आप उसके बाद देखिए, वो बोल रहे हैं 12 ओम के अक्रॉस एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर। तो क्या होता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्यों? ताकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर है 12 ओम में जितनी वोल्टेज जाएगी उतनी ही वोल्टेज उस वोल्ट मीटर में चली जाएगी। तो ये हमारा सर्किट बन गया, बस यही करना था। उसके बाद इन्होंने एक चीज और पूछी है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। एमीटर में और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स क्या क्या होंगी? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होता है। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो है 6 वोल्ट। इसको बोल दीजिए R1, इसको बोल दीजिए R2, इसको बोल दीजिए R3, ठीक है? तो R कितना हो गया, मतलब टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि तीनों सीरीज में है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 12, ये हो गया 25 ओम, ठीक है? अब I कितना हो जाएगा, By using Ohm's law, I is equal to V upon R. V यानी कि 6, 6 upon 25. तो 25 zeros आ, फिर 6 के आगे 0 लगा दिया, point लगाया, 6 के आगे 0 लगा दिया, तो क्या हो गया? 60. 60 हो गया, तो 25 2's are 50. 60 minus 50 कितना हो जाएगा? 60 minus 50 10 हो जाएगा, 10 के आगे 0 लगा दिया, 100 हो गया, 25 4's are 100. तो करंट हो गया 0.24 एम्पियर, ठीक है? तो रीडिंग ऑफ द एमीटर, रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? 0.24 एम्पियर। ये समझ में आ गया सबको? बताइए। यस सर। ठीक है, तो एमीटर की, ओके, एमीटर की रीडिंग हो जाएगी 0.24, क्योंकि यही तो करंट है आई, ठीक है? यहां से करंट निकला आई, वही इसमें गया आई, वही आई इसमें गया, वही आई इसमें गया और वही आई इसमें गया, ठीक है? तो इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालनी है, इस वोल्टेज को आप बोल दीजिए V3। तो V3 क्या हो जाएगा? आई इंटू R3, क्योंकि सीरीज में है तो करंट तो मुझे पता चल गया 0.24, और ये R3, आई इंटू R3, तो आई कितना है 0.24 और R3 कितना है 12। पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई करो 12 फोर जा 48, 12 टू जा 24 और 4 28, तो 2.88 वोल्ट। ये क्या हो गया? रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 2.88 वोल्ट। क्लियर सभी को? क्लियर है बेटा? बताइए। ठीक है, yes, sir. Yes, sir. बस बेटा फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे कंटिन्यू। आप में से कोई भी बच्चा अगर ऑफलाइन आने में इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन क्लासेस मेरी तरफ से चालू हो चुकी हैं। कोई भी आएगा तो मास्क लगा के आएगा, फिर मैं भी मास्क लगा कर पढ़ाऊंगा। आज कोई भी ऑफलाइन नहीं आया है, आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।